दुनिया में ऐसे कई आविष्कार हुए हैं जिनकी वजह से ही हम आज उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई आविष्कार ऐसे भी थे जो कि दुनिया में आने से पहले ही दूर हो गए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिनके सामने आने के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता था। ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिकों ने कई ऐसे आविष्कार किए थे जो दुनिया बदल सकते थे। उन्हीं में से एक आविष्कार ऐसा भी था जिसके द्वारा हम पास्ट में जाकर समय यात्रा कर सकते थे, लेकिन वो मिट गए या फिर उनको नष्ट कर दिया गया। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। साइंस ने आज इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। वैज्ञानिकों के कई आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन कई इन्वेंशन ऐसे रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे, लेकिन किसी वजह से वो खो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टारलाइट। केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1980 के दौरान एक ऐसा पदार्थ बनाया था जो बहुत ही ऊंचे तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो जिसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, उसमें मॉरिस वार्ड ने इस केमिकल का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि ये पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान झेल सकता था और यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी सह सकता था। अपने एक प्रयोग में मॉरिस वार्ड ने ये भी दिखाया था कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सही सलामत रहता है। नासा ने इस पदार्थ में अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन मॉरिस वार्ड ने कभी इसके निर्माण का तरीका किसी को नहीं बताया और उनकी मौत के साथ इस पदार्थ को बनाने का तरीका भी चला गया। डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने जमाने के मशहूर वैज्ञानिक थे। उनके आविष्कार उस समय के आविष्कारों से कहीं अधिक आगे थे। टेस्ला के कई इन्वेंशन ऐसे हैं जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, लेकिन कई आविष्कार ऐसे भी हैं जो उनके साथ ही लुप्त हो गए या दबा दिए गए। कहा जाता है कि टेस्ला ने 1930 में एक पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जिसको डेथ रे के नाम से जाना जाता है। यह हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। ऐसा समझ लीजिए कि ये हथियार जिसके पास भी होता वो काफी शक्तिशाली होता। कहा जाता है कि डेथ रे निकोला टेस्ला की एक थ्योरी थी जिसे कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि जितना पैसा इसको बनाने में चाहिए था वो उन्हें कभी नहीं मिल पाया। उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा आविष्कार हो ही नहीं सकता, इसलिए किसी भी कंपनी ने उनके इस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाए और उनकी मौत के साथ ही ये आविष्कार भी उनके साथ ही लुप्त हो गया। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप एक चीज पर जरूर ध्यान देते हैं कि उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है और वो कितना एक्सटर्नल मेमोरी को सपोर्ट करता है, लेकिन मेमोरी आपको कितनी भी ज्यादा क्यों ना मिल जाए वो आखिर कम ही पड़ जाती है। सोचिए क्या हो अगर आप पर सिर्फ 2GB इंटरनल मेमोरी वाला ही फोन हो और उसकी एक्सटर्नल मेमोरी भी 2GB तक ही हो, लेकिन उसके बावजूद आप अगर उसमें 128GB वाले फोन से भी ज्यादा मेमोरी सेव कर पाए तो कैसा हो। जॉन स्लूट ने कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। जॉन एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने एक ऐसी डेटा कंप्रेशन तकनीक बनाई थी जिससे एक पूरी हॉलीवुड फिल्म 8KB में कंप्रेस की जा सकती थी। इस तकनीकी को ही उन्होंने स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम नाम दिया। उन्होंने इस तकनीकी का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के अधिकारियों के सामने भी किया, जिसमें उन्होंने 64KB की चिप की मदद से 8 हॉलीवुड मूवी एक के बाद एक चला के दिखाई। लेकिन इससे पहले कि जॉन इस तकनीकी को फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 सितंबर 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। उन्होंने जिस फ्लॉपी ड्राइव में अपने इस सोर्स कोड को सेव किया था वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर एक ऐसा यंत्र था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसका निर्माण एक साइकोलॉजिस्ट विल्हेल्म राइक ने किया था। ये यंत्र बारिश की उत्पत्ति एक एनर्जी के हेरफेर से करता था। उस एनर्जी को विल्हेल्म राइक ने ओरेगोन एनर्जी का नाम दिया था। 1953 में उन्होंने दो किसानों के कहने पर इस मशीन का प्रयोग किया। उन्होंने सुबह मशीन का प्रयोग किया और शाम तक बारिश होने लगी। उसके बाद उन्होंने ये प्रयोग कभी नहीं किया, क्योंकि FDA ने उनके दूसरे आविष्कारों और क्लाउड बस्टर में फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कई लोगों का ये मानना है कि विल्हेल्म राइक के इस आविष्कार से अनाज की पैदावार बढ़ जाती और दुनिया में भूख की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती, लेकिन अमीर देश ऐसा नहीं चाहते थे,
क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो अमीर देश गरीब देशों से अपना नियंत्रण खो बैठते। इसी डर से विल्हेल्म राइक को कैद कर लिया गया और उनके आविष्कार को नष्ट कर दिया गया। क्रोनोवाइजर। कहा जाता है कि 1960 के दौरान फादर पेलोग्रिनो अर्नेटी, जो कि इटली के वैज्ञानिक और पादरी थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हम भूतकाल यानी पास्ट की चीजों को देख और सुन सकते थे। उस मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से जाना जाता था। उनके मुताबिक लुमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी वस्तु से निकलती है तो वो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती है और इस मशीन की सहायता से हम पास्ट की चीजों को देख और सुन सकते हैं। उनका कहना था कि इस मशीन की मदद से उन्होंने पास्ट की कई घटनाएं देखी थीं, जिसमें जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जाना प्रमुख घटना है। अपने अंतिम पलों में फादर पेलोग्रिनो ने उन दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी और इसी मुलाकात के बाद इस मशीन को नष्ट कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।